हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जेकेन फॉर बाइट्स फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड इट्स कॉन्सेप्ट से तो उसी लेक्चर सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमने एम की स्टार्ट की हुई है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एम अकाउंटिंग इक्वेशन एंड टर्म्स है तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आज का पॉइंट आउट द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन सही कौन सी है चार ऑप्शन आपके सामने हैं ए बी सी और डी तो सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज तो इसी इक्वेशन को जब आप रीअरेंज करके देखोगे तो आप देखोगे कि जो आपका सी ऑप्शन है लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस कैपिटल ये आपकी राइट right इक्वेशन होगी इसमें जो आपका कैपिटल राइट हैंड साइड है इसको जब आप ट्रांसपोज करके आप अपने लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो यही आपकी बन जाएगी एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की द ओनर इन्वेस्ट पर्सनल कैश इन द बिजनेस जो ऑनर इन्वेस्ट करता है पर्सनल कैश बिजनेस के अंदर उससे क्या फर्क पड़ेगा चार ऑप्शन दिए हैं सबसे पहला ऑप्शन है इंक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज कैपिटल दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज कैपिटल तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज लाइबिलिटीज़ और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं तो जब भी कोई ऑनर अपने पर्सनल कैश खुद से कैश इन्वेस्ट करता है बिज़नेस के अंदर तो एक तो क्या होगा कि जब भी कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है कैश तो वो यानी कि बिजनेस में कैपिटल को इंट्रोड्यूस कर रहा है यानी कि बिज़नेस में कैपिटल इंक्रीज हो रही है और कैश ला रहा है तो कैश इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स होते हैं तो यानी कि एसेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा कि एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और साथ में कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज कैपिटल ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट नाउ थर्ड क्वेश्चन द अकाउंटिंग इक्वेशन शुड रिमेन इन बैलेंस बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स हाउ मेनी अकाउंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन जिसकी हमने बात पहले क्वेश्चन में की थी इसमें मैंने बताया आपको कि एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज तो उसमें तीन तरह के अकाउंट होते हैं एसेट्स भी है कैपिटल भी लाइबिलिटीज तो तीनों पे उसका असर हमें देखने को मिल सकता है है ना एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट हाउ मेनी अकाउंट्स तो उसमें दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स के हमें ट्रांजेक्शन पे अफेक्ट देखने को मिल सकता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर सी टू और मोर राइट क्वेश्चन नंबर फोर कैपिटल विल रिड्यूस्ड बाय कैपिटल कब रिड्यूज होगी इनमें चार ऑप्शन हैं एक एक करके चार चारों केसेस को देखते हैं कि हमारी कैपिटल किस केस में रिड्यूस होगी तो पहला ऑप्शन है इसमें परचेज़ ऑफ़ गुड्स ऑन क्रेडिट हमने गुड्स कुछ परचेज़ किए हैं कुछ खरीदे हैं बट क्रेडिट पे उधार पे खरीदे हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे जो कंपनी होगी उसमें गुड्स आएंगे यानी कि हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी तो हमें पूछा है कि रिड्यूस किस में होगी तो फिर ए ऑप्शन गलत हो जाएगा बी ऑप्शन है सेलिंग सेलिंग द गुड्स फॉर कैश अब हमने अपने गुड्स बेचे हैं कैश में तो इसमें देखो गुड्स को हमने सेल किया है तो हमारे से जो हमारी कैपिटल है वो यानी कि हमारी एसेट्स हैं वो कम हो रहे हैं और हमारे पास कैश आ रहा है तो उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो इसमें दोनों केसेस हो रहे हैं एसेट्स भी हमारे पास जा भी रहे हैं और एक, एसेट्स हमारे पास कैश के फॉर्म में आ भी रहे हैं तो इसमें सिर्फ कैपिटल रिड्यूस बताना तो फिर बी ऑप्शन भी नहीं होगा अब सी ऑप्शन की बात करते हैं फर्नीचर परचेज़ फॉर पर्सनल यूज़ अब हमने फर्नीचर ख़रीदे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए अब पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ हम करते हैं बिजनेस से तो वो हमारी ड्राइंग्स होती हैं और ड्राइंग्स हमारे एक एक्सपेंसिज होते हैं इससे हमारी जो कैपिटल होगी वो रिड्यूस हो जाएगी कम हो जाएगी तो फिर इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी की बात करें टाइप राइटर परचेज फॉर ऑफ़िस तो ऑफिस के लिए जो सामान खरीदा टाइप राइटर तो इससे हमारे जो बिज़नेस में टाइप राइटर टाइप राइटर आएगा यानी कि हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे एसेट्स इंक्रीज होंगे यानी कि कैपिटल भी इंक्रीज होगी तो ये डी ऑप्शन भी नहीं होगा तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी फर्नीचर परचेजेस फॉर पर्सनल यूज राइट नाउ मूविंग टू वर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव द ऑनर विदड्रॉज कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज अब ऑनर विदड्रॉ करता है कैश को बिजनेस से अपने खुद के यूज के लिए अपने पर्सनल यूज के लिए तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा पहला ऑप्शन देखते हैं इंक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज कैपिटल दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज एसेट्स एंड डिक्रीज कैपिटल सी ऑप्शन है इंक्रीज लाइबिलिटीज एंड डिक्रीज एसेट्स और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं तो जब भी आपका ओनर कैश को विड्रॉ करता बिजनेस से अपने खुद के यूज़ के लिए तो क्या होगा एक तो वो डिक्रीज एसेट्स हो जाएंगे एसेट्स जो होंगे कम हो जाएंगे और कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि जब वो कैश को विड्रॉ करेगा अपने खुद के खर्चे के लिए खुद के पर्सनल यूजेस के लिए तो वो एक हमारी ड्राइंग्स होती हैं और ड्राइंग से हमेशा हमारे जो एसेट्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं और कैपिटल भी डिक्रीज होती है तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स ए पर्सन हु मनी टू ए फॉर्म अगेंस्ट गुड्स सोल्ड ऐसी फॉर्म जो अपने गुड्स बेचती है किसी पर्सन को उधार पे तो उस फर्म के लिए वो पर्सन क्या होगा ठीक तो है तो ऑप्शन हैं ए ऑप्शन है क्रेडिटर बी ऑप्शन है डेटर सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी या डी ऑप्शन एनाफ्तीस तो उस फर्म के लिए वो पर्सन डेटर होगा क्योंकि उस पर्सन ने उनके पैसे देने तो वो उसके लिए डेटर होगा बी ऑप्शन इज राइट नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन एसेट्स इंक्रीज बाय एसेट्स कब इंक्रीज़ होंगे किस केस में हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे इन ऑप्शन में से पहला ऑप्शन देखते हैं ए ऑप्शन है सेलिंग गुड्स फॉर कैश जब हम अपने गुड्स बेचेंगे कैश में तो हमारे जब गुड्स हम बेचेंगे कैश में तो हमारे पास एक तो हमारे से गुड्स जा रहे हैं यानी कि हमारे से एसेट्स डिक्रीज भी हो रहे हैं और हमारे पास कैश आ भी रहा है कैश की एंट्री भी हो रही है तो एसेट्स हमारे इंक्रीज़ भी हो रहे हैं तो इस केस में दोनों चीज़ें हो रही हैं तो सिर्फ इंक्रीज़ पूछा है तो ये नहीं हो सकता ऑप्शन फिर बी ऑप्शन है सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट अब हम अपने गुड्स जो हैं हम अपने बेचे हैं सेल किए हैं क्रेडिट पे यानी कि हमसे गुड्स चले गए बट हमारे पास पैसे नहीं आए हमारे पास पैसे नहीं आए हमने क्रेडिट पे बेचे हैं कि वो हमें पैसे बाद में देगा तो हमारे से सिर्फ एसेट्स डिक्रीज हुए हैं तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन सी परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट अब हमने कुछ मशीनरी खरीदी है परचेज़ किया क्रेडिट पे यानी कि हमारे पास एसेट्स तो आए हैं मशीनरी तो आई है बट हमने हमारे से पैसे नहीं गए हैं उसको हमने क्रेडिट पे लिए यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं तो सिर्फ परचेजिंग मशीनरी ऑन क्रेडिट फिर इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ एसेट्स इसमें इंक्रीज़ हुए हैं और हमारे से कोई पैसे नहीं गए हमने क्रेडिट पे लिया तो फिर ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन तो इसका आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट द कंपनी परचेजेस ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सप्लाईज ऑन क्रेडिट अब कोई कंपनी परचेज करती है अपने सामान को क्रेडिट पे तो इससे क्या किया उन्होंने ऑप्शन में से क्या इफेक्ट होगा ए ऑप्शन है इंक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज लाइबिलिटी तो ज... एक तो उन्होंने कंपनी ने परचेज़ किया सामान कुछ परचेज़ किया क्रेडिट पे तो एक तो पास उनके पास सामान आया एसेट्स यानी कि उनके पास इंक्रीज़ हुए और क्रेडिट पे उन्होंने सामान लिया तो क्रेडिट सामान लिया तो उनके लिए ये लाइबिलिटी है जो ये पैसे उनको फ्यूचर में रिटर्न करने हैं तो उनकी लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हुई हैं तो फिर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इंक्रीज एसेट्स एंड इंक्रीज लाइबिलिटीज राइट सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नौ क्वेश्चन नंबर नाइन विच आर द फॉलोइंगल कॉज ऑनर इक्विटी टू इंक्रीज इसमें से ऐसा क्वनसा ऑप्शन है जिसमें जो ऑनर की इक्विटी है यानी कि जो ओनर की कैपिटल है वो इंक्रीज होगी तो एक्सपेंसिस से कैपिटल इंक्रीज नहीं होती ड्राइंग से भी नहीं होती ये सारे के सारे हमारे कैपिटल को कम करते हैं तो कैपिटल इंक्रीज किससे होती है रेवेन्यू से रेवेन्यू एक तरह का इनकम होता है जिससे ओनर की जो कैपिटल होगी वो हमारी बढ़ेगी इंक्रीज होगी ऑप्शन नंबर सी इज राइट क्वेश्चन नंबर टेन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है और जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट होता है उससे क्या फर्क पड़ेगा चार ऑप्शंस दिए नीचे तो इसमें जो कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है यानी कि जो प्रोपराइटर है जिसने बिजनेस में कैपिटल को लगाया उस जो बिज़नेस का फ़र्ज़ बनता है कि ये पैसे उसको वापस मोड़ने हैं वापस उसको उसके लिए एक बिज़नेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी होती है हमारी कैपिटल तो जो भी इंटरेस्ट पड़ेगा कैपिटल पे जो प्रोपराइटर को मिलेगा तो वो वापस से उसी की इनकम में आ जाएगा यानी कि उसी की कैपिटल में फिर से एड ऑन हो जाएगा तो इससे क्या होता है कि ये जो कैपिटल पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हैं इन दोनों इंटरेस्ट से जो जो हमारी कैपिटल होती है उस पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता तो ऑप्शन बी नो इफेक्ट ऑन द कैपिटल इज राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर इलेवन द लॉन्ग टर्म एसेट्स डेट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट आर राइट्स डेट हैव वैल्यू इज नोन एज ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट्स जो जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है जिन्हें हम देख नहीं सकते बट वो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं वैल्यूज उनकी है कुछ ना कुछ तो वो ऐसे कौन से एसेट्स होते हैं तो ऐसे एसेट्स होते हैं हमारे इंटेंजिबल एसेट्स ठीक है इंटेंजिबल एसेट्स क्या कौन से एसेट्स होते हैं जिन्हें हम जिन्हें हम देख नहीं सकते ठीक है जिन्हें हम देख नहीं सकते जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हैं गुडविल होगी हमारी पेटेंट्स हैं ट्रेडमार्क है ये सब आ, हमारी वैल्यूज होती हैं एसेट्स हैं हमारे जो हमारे फ्यूचर में काम आएंगे ठीक है तो ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन द कंपनी रीपेज द बैंक डेट हैड लैंड मनी टू द कंपनी कंपनी ने जो अपने बैंक से लोन लिया था उनके जो पैसे थे उन्हें रीपे कर दिया तो इस इस चीज़ से क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा देखो उन्होंने जो लोन लिया था यानी कि उनकी जो लाइबिलिटी थी उन्होंने अपनी लाइबिलिटी को ख़त्म कर दिया उनके पैसे वापस कर दिए यानी कि उन्होंने अपनी लाइबिलिटी को डिक्रीज़ कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने जो अपने एसेट्स थे वो भी डिक्रीज़ कर दिए एसेट्स कैसे क्योंकि उन्होंने उनके जो कैश के फॉर्म में पैसे दिए कैश यानी कि एसेट्स उन्होंने उनको उन्हों कैश उन्होंने उनको उन्हों कैश दिया और उनके एसेट्स भी डिक्रीज हो गए और साथ ही साथ उनकी जो लाइबिलिटी थी जो उन्होंने बैंक के पैसे देने थे वो भी डिक्रीज हो गए तो फिर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटीज ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर थर्टीन द कंपनी रिसीव्स कैश फ्रॉम बैंक लोन अब कोई कंपनी किसी से किसी बैंक से लोन लेती है तो उस चीज़ से क्या होगा अब लोन लिया कैश के फॉर्म में तो जो एसेट्स होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और लोन लिए बैंक से तो लाइबिलिटी भी बढ़ गई है उनके लिए तो यानी कि इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़ तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बोथ एसेट्स एंड ऑनर्स इक्विटी वुड इंक्रीज़ बाय एसेट्स और ऑनर की इक्विटी यानी कि जो कैपिटल है वो दोनों कब इंक्रीज होंगे चार ऑप्शन दिए प्रोपराइटर्स ड्राइंग परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट पेमेंट टू क्रेडिटर्स और डी ऑप्शन है रिटेन्ड अर्निंग्स तो रिटेन्ड अर्निंग के केस में जो एसेट्स और इक्विटी होती है दोनों इंक्रीज़ होते हैं रिटेन्ड अर्निंग में क्या होता है कि हम अपनी जो प्रॉफिट या इनकम का थोड़ा सा जो पार्ट होता है थोड़ा सा फ्यूचर सेविंग्स के लिए हम उसे सेव कर देते हैं उसी को रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं तो उस चीज़ में उस केस में हमारे बोथ एसेट्स और कैपिटल दोनों इंक्रीज़ होते हैं ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फॉर कैश वुड अब हम फिक्स्ड एसेट की परचेज़ कर रहे हैं उनको ख़रीद रहे हैं कैश देकर अब देखिए मेनली दो तरह के हमारे एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स होते हैं एक फिक्सड एसेट होते हैं करंट एसेट्स कौन से होते हैं जिनका यूज़ हम शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं यानी यूजली वन ईयर लेते हैं हम इसे जैसे कि कैश हमारा ठीक है और फिक्स्ड एसेट कौन से होते हैं जिनका यूज़ हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं जैसे बिल्डिंग है मशीनरी है ये सब तो हमने फिक्स्ड एसेट कोई ख़रीदा कैश दे तो इससे क्या होगा हमने कैश दिया यानी कि हमारे जो करंट एसेट्स है वो हमारे कम हुए और हमने एसेट खरीदा कोई यानी कि हमारे fixed asset increase हुए ठीक है? तो इसका सही answer हो जाएगा, फिर रिड्यूस करंट एसेट हमसे चला गया रिड्यूस हुआ एंड इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स और हमारे परचेज किए उसमें इंक्रीज आया तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द डेट्स विच आर टू बी रीपेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऐसे डेट्स ऐसे उधार जो हमने वापिस से रीपे करने हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर तो उन डेट्स को हम क्या बोलेंगे तो वो हमारी करंट लाइबिलिटीज होती हैं ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन कैपिटल इज कैपिटल किस तरह की लाइबिलिटी होती है अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी बात की कि कैपिटल एक बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी होती है राइट right? सो so, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर एटीन गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़ अब कोई प्रोपराइटर गुड्स को विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो अपने कभी भी पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी प्रोपराइटर अगर कुछ चीज़ करता है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स जो हम अमाउंट पे करते हैं जब हम अपने गुड्स परचेज करते हैं तो उस केस में हम कौन सा एक्सपेंडिचर हम उसे कहते हैं तो हम उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये जो रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू वर्ड हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ आवर करंट एसेट्स जैसे कि हमारे गुड्स हो गए कैश हो गए तो उस केस में हम यूज़ करते हैं वर्ड रेवेन्यू और कैपिटल वर्ड हम तब यूज़ करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फिक्स्ड एसेट्स फॉर एग्जांपल लैंड बिल्डिंग एट एक्स्ट्रा तो इस केस में हम जब गुड्स परचेज करेंगे तो हम कौन से एक्सपेंडिचर की बात कर रहे होंगे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शन नंबर ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ़ गुड्स जब हम अपने गुड्स की सेल करेंगे तो उस टाइम जो हम अमाउंट रिसीव करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे ऑप्शन नंबर ए है रेवेन्यू रिसिप्ट ऑप्शन बी है कैपिटल रिसिप्ट और सी ऑप्शन है बोथ एंड बी तो यहाँ पे भी गुड्स की बात हो रही है गुड्स यानी कि हमारे करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में मैंने बोला था कि रेवेन्यू वर्ड हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए रेवेन्यू रिसिप्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर डैट गिव्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका नेचर रेवेन्यू की तरह होता है और वो हमें बेनिफिट देता है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं तो ऑप्शन है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सी ऑप्शन है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर नन ऑफ तीस तो ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका रेवेन्यू नेचर होता है और जो हमें बेनिफिट देता है मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी Defered, revenue expenditure, या आपको याद रखना है किस तरह की लाइबिलिटी होती है ए ऑप्शन है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी बी ऑप्शन है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी सी ऑप्शन है कंटीजेंट लाइबिलिटी या फिर ओवर ड्राफ्ट तो एक तरह की हमारे लिए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है ऑप्शन नंबर ए द नेचर ऑफ कैपिटल इज नेचर ऑफ़ कैपिटल हमने पहले भी क्वेश्चंस में बात की थी कि कैपिटल एक बिजनेस के लिए इंटरनल लाइबिलिटी होती है तो फिर कैपिटल का नेचर कैसा हुआ कैपिटल का नेचर हो गया लाइबिलिटी नेचर ऑप्शन नंबर बी नो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द नेचर ऑफ एक्रूड इनकम इज अब एक्रूड इनकम का कैसा नेचर होता है अब एक्रूड इनकम एक तरह की ऐसी इनकम होती है जिसकी सर्विस हम दे चुके हैं और बट हमें उसके जो पैसे हैं जो हमें उसका जो आ, हमें जो उसका प्रॉफिट है वो अभी तक नहीं मिला तो उसका प्रॉफिट नहीं मिला बट मिलेगा फ्यूचर में यानी कि वो एक तरह से हमारे लिए एक एसेट्स हैं जिनका हमें जो प्रॉफिट होगा वो कुछ टाइम के बाद मिलेगा तो फिर एक्रूड इनकम का जो नेचर होता है वो एक तरह के हमारे एसेट्स होते हैं तो फिर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही एसेट्स सो so फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक से थे इस चैनल पे जितने भी अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज होंगे सभी टॉपिक्स के वो हम कवर करेंगे तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन इस चैनल पे आपको टाइमली मिल जाए तो थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू सो मच